औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल जो हमारे पास मिट्टी होती है, तो इसको हम एज ए ज़राए, एज ए रिसोर्स के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जो सॉइल हमारे पास होती है, तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचर रिसोर्स है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये हमें पता है कि तमाम प्लांट्स जो हैं इसमें ग्रो करते हैं, और बाकी चीज़ें में जो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो भी अर्थ में ही ग्रो करते हैं। द सॉइल इज़ लिविंग सिस्टम। ये एक सिस्टम के तौर पर काम करती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। तो इसमें फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों और अरबों साल लगे हैं इसको बनने में। रिलीफ पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स ये बन गए हैं कहाँ, किन से? रॉक्स से, यानी कि बेड रॉक्स, यानी कि या फिर पेरेंट रॉक्स से, क्लाइमेट्स की वजह से, वेजिटेशन की वजह से। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो बाकी चीज फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से सॉइल बनती जा रही है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा। तो बाकी जो चीज़ें इसके अराउंड है, फॉर एग्जांपल उसमें नेचर रिसोर्स है, टेम्परेचर है, रनिंग ऑफ वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये इसमें रोल अदा करते हैं कि किस तरह से सॉइल बनती है और किस तरह से इसको फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन इन सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो केमिकल या रिएक्शन या बाकी चीज़ें जो जिनकी वजह से सॉइल बनती है, तो वो भी इतनी ही अहम है। सॉइल इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, तो इसमें बनते हैं। ऑन द बेस ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्स्चर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो इनकी बुनियाद पर, किन के बुनियाद पर? कलर, इसकी मोटाई के बुनियाद पर, टेक्सचर के बुनियाद पर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर इंडिया में जो है सॉइल को मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफिकेशन ऑफ सॉइल, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सॉइल है, जिनमें क्या है, एलोवियल सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, इसी तरह जो है इसमें एरिड सॉइल, लेटरेट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इसी तरह जो है ये इसमें बनती हैं इस किस्म की सॉइल्स।